कहे मैं उसमें। नहीं हाँ क्वेश्चन पेपर मिला के बाद देते हैं। ठीक है, उसके और अलावा जीके बताओ। जीएस का कोई क्वेश्चन है जीके यार? जीएस का क्वेश्चन तो जैसे जनगणना वगैरह से टॉपिक बता देता हूँ मैं, और करंट थे ये ओलंपिक वगैरह से, बस ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे कितने हैं। हाँ, क्वेश्चन किए आपने? मैं तो 80 का 80 करके आया अच्छी हूँ। करके आओ। फिजिकल की तैयारी करना चाहे तो फिजिकल स्टेट जी डिफेंस अकेडमी वहाँ से बिल्कुल करो। बिल्कुल। आपका नाम बताइए, कहाँ पूर्णिमा मंसूर से हैं आप? से। आपका थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज, थोड़ा सा मैथ्स भी देखो जानने की कोशिश करेंगे। मैथ्स में तो मतलब लाभ हानि लाभ और हानि परसेंटेज और चक्रवृद्धि ब्याज से आया था। जी चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई में मतलब अंतर पूछा था दोनों में, और एक और डिफरेंस में था। बहुत मतलब इजी पेपर था, इजी एक पेपर क्वेश्चन ही नहीं हुआ मेरे से मैथ्स में। और जी, एक रीजनिंग क्वेश्चन नहीं हो पाया आपसे मैथ्स में। अच्छा, वो भी वो कौन मतलब से चैप्टर से था, कुछ थोड़ा सा वो वो था क्वेश्चन? ना, मतलब वो याद नहीं आ रहा, मतलब घुमा फिरा के दे अच्छा, रखा घुमा था, फिरा के मतलब अंकित एक क्वेश्चन में मूल्य, दोनों अंकित क्वेश्चन। मूल्य हाँ, और वो बट्टा वगैरह। बट्टा वगैरह, उसमें मत अच्छा, था, मतलब थोड़ा लॉन्ग सा क्वेश्चन था, वो कंफ्यूजन वाला है। वाला ही नहीं हुआ। और तो रीजनिंग में भी सब हो गए थे, रीजनिंग में दो नहीं हुए, एक तो। जय हिंद, नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उज्जैन डिफेंस एकेडमी में। साथियों, आज जो हम पहुंच चुके हैं प्रशांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, आज जो है SSC GD का पूरा बच्चों के माध्यम से हम रिव्यू लेंगे, किसका कितना नंबर रहा है और कौन से कैटेगरी में है, और पूरा जानने की कोशिश करेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, मॉडरेट है, हाई है, पूरा जानने की कोशिश करेंगे। आप अगर वीडियो पर, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। जय हिंद। हाँ, एक आपका नाम एक बताओ, अभिषेक, कहाँ से हैं? अभिषेक यूपी जालौन। अच्छा, अब बताइए क्या बता रहे एक पूछा था कि डेक्टोन में कितने खिलाड़ी हैं, एक पंचवर्षीय से क्वेश्चन आया था, पंचवर्षीय जी। से एक पूछा था कि तीसरी पंचवर्षीय वो हरित क्रांति कौन सी पंचवर्षीय योजना अच्छा, में लागू हुई थी। पंचवर्षीय योजना से हाँ, जी जी और हरित क्रांति तो इसमें था तीसरी पंचवर्षीय योजना, और एक था हरित क्रांति, दो क्वेश्चन थे, और एक था 0.35, मतलब 0.3516, सिक्स के ऊपर बार लगा था, तो इसका आंसर आ रहा था अच्छा, मैथ में। ठीक है, और प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आए थे, परसेंटेज से क्वेश्चन आए थे। परसेंटेज हाँ, से क्वेश्चन। और एक पूछा था कि एक एक मतलब मैथ में टोटल मतलब 80% पास हैं, दूसरे 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 से 24% अधिक है। हाँ, अच्छा, तो कुल अंक पूछा था कुल उसमें। अंक पूछा हाँ, है। बस ऐसी तरह आया था। अच्छा, हाँ, और जैसे बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन रीजनिंग में एक तो कोडिंग डिकोडिंग से आया था। कोडिंग डिकोडिंग हाँ, जी। और एक अक्षीय अनवांटेड वाला रहा था। अच्छा हाँ, ऐसे क्वेश्चन आए थे। अच्छा हाँ, ब्लड रिलेशन, ये आया था। अच्छा कथन निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष वाला एक आया था, अच्छा सिलोजिज्म, स्लो स्लोग में से। हाँ, आया पेपर था आया था, पेपर कटिंग, मोल्डिंग कटिंग, फोल्डिंग, एक क्वेश्चन आया था। वगैरह से हाँ, एक जी। क्वेश्चन आया था। और और जैसे बात करें ब्लड रिलेशन हो गया आपका, अडाइस से, अडाइस डाइस से एक क्वेश्चन आया था। से हाँ क्वेश्चन। हाँ और जैसे हिंदी की बात करें तो थोड़ा सा हिंदी में एक तो सज्जन का, बिल्लो सज्जन का, सज्जन का ऐसे कुछ पूछा था, विलोम विलोम, पूछा। विलोम हाँ, ऐसे कुछ पूछा था। और बस नॉर्मल एक पेपर बार था नाम अभिषेक। बताइए। अच्छा, कितने नंबर आएंगे, कितने क्वेश्चन किए आपने? टोटल 80 80 कैटेगरी। SC। जय ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, श्री माता। जय श्री महाकाल, जय हिंद। बहुत अच्छा पेपर आ रहा है। हिमांशु आपका नाम बताइए सर, यार नाम है कहाँ मेरा, से हैं? मैं शाहजहाँपुर से हूँ। शाहजहाँपुर से। हाँ बताइए आप। पेपर इजी आ रहा है, थोड़े से रीजनिंग में लेवल थी, बाकी तो कोई ऐसा कोई टफ पेपर नहीं ऐसा है। टफ पेपर नहीं। 80 जो के वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे कि कैसे बस तैयारी करके आए? थोड़ा सा तैयारी तो लगभग अब तक सबकी पूरी हो चुकी सबकी होगी, पूरी हो बस अंदर चुकी है, घबराना नहीं है। घबराना नहीं। थोड़ा उसके सा समय अलावा का, बस समय, जो टाइम मैनेजमेंट जिसने किया होगा, मॉक वगैरह दिए होंगे, मॉक उसको वगैरह दिए कोई होंगे, दिक्कत नहीं प्रैक्टिस आएगी, सेट अच्छे से प्रैक्टिस लगाए सेट होंगे। अच्छे से लगाए होंगे, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाकी अंदर घबराना नहीं है। जैसे मैथ्स की बात करें थोड़ा सा, तो मैथ्स मैथ से से मेरा तो शुरू से अच्छा है, और मेरा तो 20 में 20 करके आया अच्छा, और सब 20। सही है। अच्छा, कौन से चैप्टर से थोड़ा सा डीपली जानेंगे, कौन से चैप्टर से थोड़ा? चैप्टर लगभग सारे चैप्टर से एक एक दो दो, ऐसा नहीं है कि कोई से ज़्यादा आ रहा है, किसी से अच्छा कम आ रहे ठीक हैं, सब लगभग है सबका ठीक रेशो है। बराबर ही है। अच्छा, रीजनिंग से ऐसे आपको क्या देखने को मिला ऐसे थोड़ा सा आज? रीजनिंग में थोड़ा सा कैलकुलेटिव एक दो क्वेश्चन तो ये सिटिंग अरेंजमेंट के थे, और बाकी तो नॉर्मल थे, पर थोड़ा टाइम थोड़ा मैनेजमेंट का है घुमाने उसमें। वाले हाँ क्वेश्चन हाँ थे, कुल मिला के बात देते हैं। ठीक है, उसके और अलावा जीके बताओ। जीएस का कोई क्वेश्चन है जीके यार? जीएस का क्वेश्चन तो जैसे जनगणना वगैरह से टॉपिक बता देता हूँ मैं, और करंट थे ये ओलंपिक वगैरह से, बस ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कितने हाँ, क्वेश्चन किए आपने? मैं तो 80 का 80 करके आया अच्छी हूँ। करके फिजिकल आओ। फिजिकल की तैयारी करना चाहे तो उज्जैन जी डिफेंस अकेडमी वहाँ से बिल्कुल करो। बिल्कुल। आपका नाम बताइए, पूर्णिमा मंसूर कहाँ से हैं आप? से। आपका थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज, थोड़ा सा मैथ्स भी देखो जानने की कोशिश मैथ्स करेंगे। में तो मतलब लाभ हानि लाभ हानि और परसेंटेज और चक्रवृद्धि ब्याज से आया था। जी। चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई में मतलब अंतर पूछा था दोनों में,
और एक और डिफरेंस भी था, बहुत मतलब इजी पेपर था, इजी एक पेपर क्वेश्चन ही नहीं हुआ मेरे से मैथ्स में, और एक रीजनिंग क्वेश्चन नहीं हो पाया आपसे मैथ्स में। अच्छा वो भी वो मतलब कौन से चैप्टर से था, कुछ थोड़ा सा वो वो था क्वेश्चन। ना, मतलब वो याद नहीं आ रहा, मतलब घुमा फिरा के दे अच्छा रखा था, घुमा फिरा के, मतलब एक अंकित क्वेश्चन में मूल्य, दोनों अंकित क्वेश्चन। मूल्य हाँ और वो बट्टा वगैरह, बट्टा वगैरह उसमें मत था, मतलब थोड़ा लॉन्ग सा क्वेश्चन था, कंफ्यूजन वाला है। वो वाला ही नहीं हुआ। और तो रीजनिंग में भी सब हो गए थे, रीजनिंग में दो नहीं हुए, एक तो जो वो मतलब ए और बी सी डी करके बीच में आते वो, जी और उसमें चिन्ह देते, मतलब जी उसमें अपने को एनालॉजी निकालनी थी उसमें क्या दे रखा है, एक वो अच्छा नहीं बना, जी, और एक जो केंद्र में दे रखे थे ना उसमें से वो किस बाहर, डायरेक्शन में बैठा हाँ है, तो वो वो बाहर बैठा दिशा है, रखे थे, दिशा अंदर है डायरेक्शन। वाले तो दिए ही नहीं अच्छा आज, अच्छा मतलब बाहर की बाहर ओर वाला दे ही रहे हैं। दिया, और मतलब वो दो ही नहीं बने, जैसे और पूरे बात मैंने करें मतलब 77 अटेंड किए। 77, बहुत अच्छा अटेंड किया। आपका नाम बताइए एक बार। पूर्णिमा कुमार, पूर्णिया कुमार, कहाँ ठीक से है। हो और रहा है? हिंदी तो बहुत इजी आ रही, हिंदी थोड़ा सा बताइए, हिंदी में क्या है? हिंदी में तो कुछ भी संधि से भी नहीं आ रहे, समास से भी नहीं आ रहे, किसी से भी नहीं आ रहे, बस रिक्त स्थान आए 6 से 7, 6 से 7, वो भी अपने ऊपर ही, दिमाग अच्छा के ऊपर ही आए। फील एंड ब्लैंक, जैसे अगर इंग्लिश में कोई, अगर इंग्लिश में करना चाहे तो। और पूरी मतलब हिंदी तो बहुत इजी है, जीके और जीएस का कोई क्वेश्चन पांच आपको करेंट याद रहा हो, करंट से रिलेटेड कोई आ रहा है? से तो 2 आए बस, करेंट से 2 आए, और जीके के भी बहुत इजी आए, एक तो त्योहार पूछा था, और एक किससे संबंधित है वो, और एक टिप्पणी किस राज्य से संबंधित है, अच्छा टिप्पणी, नृत्य किस राज्य से संबंधित हाँ है? वो था, और बस यही याद है। थैंक यू। अच्छा ओके, थैंक यू। ये पेपर हो गया आपका। जय हिंद। जय हिंद। कहाँ से हैं आप? मैं उज्जैन से हूँ, उज्जैन से हैं। कितना क्वेश्चन किया? मैंने किया 70 क्वेश्चन। अच्छा आपका जो थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा डीपली, अगर जीके जीएस की बात करें तो कौन से लेवल से थोड़ा सर क्वेश्चन कर देखिए, सकते जीके जीएस का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि जीके जीएस तो मेरा इतना अच्छा नहीं है, बाकी मैथ्स बहुत अच्छा था, हिंदी भी अच्छी थी और रीजनिंग भी अच्छी थी। अच्छा ठीक है। जीके और मैथ्स जीएस में थोड़ा सा बताइए। मैथ्स में सर ज़्यादातर क्वेश्चंस मतलब सिंपल ही है, मतलब कैलकुलेटिव कैलकुलेटिव नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सिंपल है। एक बार सिंपल फिर ही से है। नाम बताइए। पायल पाटीदार। ठीक है, जय हिंद। ठीक। जय हिंद। जय हिंद। कहाँ से हैं? पटाड़िया था, देवास जिले अच्छा से, देवा जी। अपना नाम बताइए। अच्छा नीलेश। आप एसएससी में कितने क्वेश्चन करके आए? मैं 73। 73 क्वेश्चन करके आए। जी तो थोड़ा सा बात करेंगे जैसे जीके जीएस की और जी रीजनिंग मैथ्स वगैरह, पूरा अपने सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। सबसे जी पहले जी बात करते हैं हिंदी की। आपने सबसे पहले क्या किया? सिर्फ हिंदी की सबसे हिंदी पहले, किया। अब हिंदी में किस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिले? ये अपने मुहावरे, वाक्य, अशुद्ध वर्तनी, अच्छा ये अच्छा सभी। सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मतलब कुल हाँ मिला के। और लेवल कैसा क्या है, थोड़ा ज़्यादा डीपली? मीडियम मीडियम, मीडियम हाई मीडियम विद मतलब। अच्छा जीके के, हाई मॉडरेट है। अच्छा करेंट के लिए। और थोड़ा सा करंट, जीके जीएस की बात करें तो करंट में जी कौन से क्वेश्चन देखने को मिले? ये अपने जैसा भी जो नए खेल में आए, ये भी अच्छा करंट स्पोर्ट्स से है, रिलेटेड। स्पोर्ट्स से भी है, संविधान से भी है, मैथ्स और जैसे बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स से कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं? से तो वही अपने जो प्रतिशत है, हाँ प्रतिशत है, लाभ लाभ, और और जैसे अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कौन से चैप्टर से आ रहे हैं? रीजनिंग में वही अपने आते ना एबीसीडी कोडिंग, वाले, कोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, वाले, हाँ ब्लड रिलेशन है ना, बस, कथन निष्कर्ष हाँ बस सारे, ये हाँ सभी का संख्या ही क्रम लेवल कुछ अनुसार। ऐसा आपको देखने को मिला। आप रिव्यू देख रहे होंगे जी, तो कुछ आपको ऐसा डिफरेंस क्वेश्चन देखने को मिला? हाँ, पिछली बार जो आए थे ना जी उस हिसाब से इस बार थोड़े अच्छे थे। जी अच्छा लेवल अच्छा था कुल मिला के। जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बस पढ़ाई करो घर अच्छा पे, थोड़ा सा टाइम का कैसे क्या इशू है, कुछ टाइम देना पड़ेगा जितना भी, दिन अच्छा में 5-6 घंटे, कितना आप जो टाइम का कैसे क्या मैनेजमेंट किया आपने? नहीं वो अपने हिसाब से जैसे अपने को लगे, जो अच्छा हिंदी मीडियम का है वो हिंदी से करेगा, जो इंग्लिश मीडियम का है वो हाँ इंग्लिश ठीक से। है ओके। एक बार फिर से नाम जी, बताइए। नीलेश गुना। ठीक थैंक यू। बताओ कुछ नहीं। नॉर्मल है ना। जय हिंद। जो जी आपका नाम बताइए, लक्ष्मी कहाँ प्रजापति, से हैं आप? अतनारा से। जी थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे आपने पेपर दिया है कितने क्वेश्चन किए हैं आपसे? नहीं, अच्छे गिने नहीं है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा सा बात करेंगे मैथ्स में कैसे किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा कौन से चैप्टर से आ रहा है? मैथ्स जो पढ़ाया सर ने वो ही आया, अच्छा और जैसे जीके जीएस की बात करें तो? हाँ वो चक्रवर्ती भी याद नहीं आया। और जैसे अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं? रीजनिंग में वही मतलब इधर से उधर घुमा फिरा अच्छा कर, घुमा फिरा, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, हाँ सिलोजिस्म हो गया, कथन निष्कर्ष हो गया, इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं हाँ ऐसे आ रहे हैं। लगातार आ रहे हैं। जैसे रीजनिंग आपने किया है, जीके जीएस की बात करें तो करंट से रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला आपको, कुछ हाँ याद रहा हो आपको जीके जीएस में जैसे? हाँ अभी जो वर्तमान में जो हुआ है ना, अच्छा जो हो रहा है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आ रहे हाँ हैं क्वेश्चन, और कुछ ऐसा कोई नया क्वेश्चन जैसे हिस्ट्री वगैरह से आपको कुछ देखने को मिला? हाँ मिला।
कुछ आपको थोड़ा सा कुछ याद हो तो? याद तो इतना याद नहीं रह पाता, अभी पेपर देके आ रहा है, थोड़ा सा हेजिटेशन। ओके एक बार फिर से नाम बताइए। लक्ष्मी प्रजापति। ओके लक्ष्मी, थैंक यू। जय सर। जय हिंद सर। कहाँ से हैं सर? मैं यहाँ उज्जैन में रहता हूँ, शाजापुर, शाजापुर जिला। जी नाम बताइए। राज परमार सर। थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा डीपली आपको सब्जेक्ट वाइज। सर कितने क्वेश्चन किए सर? मैंने 74 करे। 74 क्वेश्चन, बहुत अच्छा आपने किया। और प्रॉपर आप एसएससी की तैयारी कर रहे थे। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन सर? रेलगाड़ी से आ रहे हैं सर, नंबर सिस्टम से आ रहे हैं। जी जी सर। अच्छा, और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग सर? रीजनिंग में वेन डायग्राम से आ रहे हैं अपने, बहुत सरल है सर अपने, ये इसके बारे जी बहुत सरल आ रहे हैं सर। रीजनिंग तो बहुत ही ज़्यादा था पर टाइम टेकिंग है। अच्छा टाइम, जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? एक रीजनिंग पे बहुत सरल है सर, पर उसमें टाइम टेकिंग का थोड़ा ध्यान रखे और मैथ्स से बहुत ज़्यादा सरल है। जी सर। सेंड करके रखिए। हाँ सर। पहले आपने कौन सा किया? पहले कौन सा सर? मैंने रीजनिंग करा था उसमें, तो उसमें सर मेरे को 20 मिनट लग गए ज़्यादा। अच्छा हाँ, बाकी मैथ्स से बहुत ज़्यादा सर है। रीजनिंग से पेपर देने आएंगे उनके लिए क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले कौन सा पार्ट करें सर? मेरे हिसाब से पहले हिंदी करें, उसके बाद रीजनिंग करें। अच्छा जी सर। फिर जीके जीएस करें? जीके जीएस। हाँ सर, जीके जीएस आखिर में, लास्ट में करें सर। ओके थैंक यू सर। राज परमार सर।